टोयोटा अर्बन क्रूजर दूसरी गाड़ी है जो कि वैश्विक स्तर पर टोयोटा सुजुकी के पार्टनरशिप के तहत आती है। इससे पहले बलिनो से ग्लांजा भारतीय बाजार में उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑटो और आज हमारे पास मौजूद है टोयोटा अर्बन क्रूजर जिसका हम आपके लिए लेकर आए हैं डिटेल्ड रिव्यू। अर्बन क्रूजर में सबसे बड़ा अंतर अगर देखा जाए तो इसके फ्रंट एंड में देखने को मिल जाता है। अगर आप क्रोम बॉर्डर ग्रिल और बम्पर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसा लुक देने की कंपनी ने कोशिश की है। इसके अलावा लाइट्स, पूरा साइड प्रोफाइल विटारा ब्रेजा जैसा ही है। हालांकि रियर प्रोफाइल में आपको विटारा ब्रेजा के मुकाबले अर्बन क्रूजर के बम्पर पर अलग ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर के जैसे ही आप इंटीरियर में आते हो तो यहाँ पर भी आपको सेम वैसा ही लेआउट देखने को मिलता है जैसे कि विटारा ब्रेजा में आपको मिलता है। कुछ एलिमेंट्स इसमें बदले हुए देखने को मिलते हैं, जैसा कि इसमें आपको स्टीयरिंग पर लोगो हो गया। इसके अलावा आपको सेम कर्व्ड डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सिंपली स्टाइल्ड आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी यंग अपीलिंग देता हुआ नज़र आता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर के जैसे ही आप रियर सीटों पर आते हो तो जिस तरीके से आपको विटारा ब्रेजा में फ्रंट सीटों से और रियर सीटों से कमाल की विजिबिलिटी मिलती है, वैसे ही आपको अर्बन क्रूजर से भी देखने को मिल जाती है। हालांकि विटारा ब्रेजा के मुकाबले अर्बन क्रूजर में थोड़े बहुत बदलाव जरूरी थे। जी हाँ, आपको सेम हेडरूम मिल जाता है, सेम लेगरूम मिल जाता है, अंडरनीथ थाई सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इस गाड़ी के रियर सीटों पर जो मिलने वाला बैक एंगल रेस्ट है ना, उसमें थोड़ा सा सुधार कंपनी कर सकती थी। लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है जो कि कंपनी अर्बन क्रूजर में थोड़ा सा और बेहतर बना सकती थी। हालांकि आपको चारों सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और आप पीछे वाली सीटों पर तीन लोग आसानी से बिठा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर आर्मरेस्ट मिल जाता है और दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। इनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा मिलता है। हालांकि कंपनी ने रियर पैसेंजर्स के लिए कोई भी एसी वेंट्स नहीं दिए हैं जो कि मुझे लगता है कंपनी को अब इस गाड़ी में देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अर्बन क्रूजर में सभी स्विचेस, कंट्रोल्स और स्टोरेज स्पेस सेम विटारा ब्रेजा जैसे ही मिलते हैं। सुविधा की बात करें तो कंपनी ने भले ही इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डिमिंग, रियर व्यू मिरर और क्रूज कंट्रोल दिए हैं, पर ये सब तो विटारा ब्रेजा में भी मिलते हैं। हालांकि अर्बन क्रूजर में कंपनी को थोड़े और फीचर्स जोड़ने की जरूरत थी, जैसे कि इसमें कंपनी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक सनरूफ दे देती तो और ज्यादा बेटर हो सकता था। टोयोटा अर्बन क्रूजर में कंपनी वही सेम इंजन ऑफर कर रही है जो कि आपको मारुति विटारा ब्रेजा में मिलता है। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है और इस इंजन के पावर आउटपुट की बात करें तो आपको मिलती है 104 हॉर्स पावर और साथ ही 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इस इंजन के साथ कंपनी अभी भी वही 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है जो कि आपको मारुति विटारा ब्रेजा में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सेकंड गियर का लो रेशियो देखने को मिल जाता है। अर्बन क्रूजर का इंजन ना सिर्फ रिफाइंड है बल्कि ये काफी साइलेंट भी नजर आता है और इसमें वाइब्रेशन जैसा फील भी नहीं होता। डी यानी ड्राइव मोड पर अगर आप एक डिसेंट स्थिति में चलाते हैं तो ये आपको बेहतर ड्राइव का अनुभव देती हुई नजर आती है। इतना ही नहीं, लो आरपीएम पर भी आपको किसी तरह का लैग और ट्रांसमिशन शिफ्टिंग में देरी देखने को नहीं मिलती है। ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो तो ऑटोमेटिक को चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है। आपको माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है, यानी जैसे ही आप ट्रैफिक में रुकते हैं तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है और ब्रेक से पैर हटाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इंजन 4 सिलेंडर है तो काफी बैलेंस्ड ये लगता है, हालांकि ट्रांसमिशन आपको थोड़ा पुराना जरूर नजर आता है। ऐसे में सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में आपको बेहतर ट्रांसमिशन ऑफर किया जा रहा है तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाली नई अर्बन क्रूजर में कम से कम एक सीवीटी ट्रांसमिशन कंपनी ऑफर करे। हालांकि इसमें एल और टू सिलेक्टेबल मोड्स दिए गए हैं ट्रांसमिशन में, तो ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कार के साथ कहीं चढ़ाई कर रहे हैं या फिर घाट सेक्शन से गुजर रहे हैं पहाड़ों पर, क्योंकि ये कम गियर्स को होल्ड करके रखती है और आपको चढ़ाई के दौरान पर्याप्त पावर देती हुई नजर आती है। राइड क्वालिटी की बात करें तो ये काफी बढ़िया मिल जाती है और इसमें 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जिसकी वजह से खराब सड़कों पर आप आसानी से इस गाड़ी को चला सकते हैं। स्टीयरिंग इनपुट भी बढ़िया मिलता है और कम स्पीड पर यह हल्का और आसान लगता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर की अगर हम कीमतों की बात करें तो मारुति विटारा ब्रेजा की ऑन रोड कीमतों से इसकी ऑन रोड कीमतों में करीब 15,000 रुपये का फर्क देखने को मिलता है। यानी कि आपको 15,000 रुपये महंगी तो पड़ती है, लेकिन इन 15,000 रुपये में
ये गाड़ी आपको ज्यादा ओनरशिप एक्सपीरियंस भी ऑफर करती है। जी हाँ, टोयोटा अर्बन क्रूजर में आपको मिलता है स्टैंडर्ड 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, जिसे आप बढ़ाकर 5 साल और 1,50,000 किलोमीटर तक कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, मारुति से ज्यादा आपको टोयोटा ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफर करती है।